Hello friends, welcome to KVS TechnoFun. Today we will learn about the Impress. Yes, Impress is a digital presentation software through which you can learn the various activities or the various ways to make your content very representable. There are so many representation softwares like PowerPoint presentation, Impress, Google Slides. You can find many more on the internet, but this one is from the LibreOffice, and this one is very effective and very easy to learn and apply. So let's start with Impress. So सबसे पहले तो Impress में आप सामने देख सकते हैं कि this is the window for your Impress. जब आप open करेंगे, the process to open the Impress is same as of your writer. Just type here Impress and you will find like this LibreOffice Impress. Click on it and you will get a screen like this. So this is the window of your Impress. यहाँ आपके सामने जो आप ये blank area देख रहे हैं, this is known as the workspace, जहाँ actually आप अपना content लिखते हैं, अपनी images को enter करते हैं. जैसे कि writer में हम documents को बनाते हैं, in the same way we make slides in the Impress. So अब हम बात करते हैं main Impress window की. So this is the main Impress window and this one is the title bar. As you already know, विंडो के ऑलमोस्ट कंटेंट वैसे ही हैं जैसे आप राइटर में पढ़ते आ रहे हैं. तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं. दिस इज द टाइटल बार. हेयर यू कैन सी द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट. राइट नाउ इट कंटेन्स द डिफॉल्ट नेम फॉर द इम्प्रेस, दैट इज द एनटाइटल्ड वन. इफ यू सेव दिस देन इट विल गेट चेंज टू द सेव नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट और यू कैन सी योर स्लाइड और प्रेजेंटेशन. जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स को इकट्ठा करके एक जगह सेव करते हैं, जैसे कि हम राइटर में डिफरेंट पेजेस को इकट्ठा करते हैं तो हम उसे एक डॉक्यूमेंट में बनाते हैं. सेम वे में जब हम यहाँ पर स्लाइड्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो वो हमारी एक प्रेजेंटेशन कहलाती है. सो उस प्रेजेंटेशन का जो नाम है दैट विल गेट अपियर्ड ओवर दिस टाइटल बार. नाउ नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार. ये मेन्यू बार आपको हर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मिलेगी जहां आप अपना कुछ काम करते हैं. सो दिस इज फाइल, एडिट, व्यू. वी विल डिस्कस द वेरियस ऑप्शंस इन दीज मेन्यू बार्स वन बाय वन. एंड जस्ट बिलो दिस मेन्यू बार वी हैव द स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें वो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जो हमें हर टेक्स्ट में, चाहे वो आपका राइटर हो, चाहे वो आपका इम्प्रेस हो, उसमें हमें यूजफुल होते हैं. एंड यस, this impress also has the properties window, the side window, this one, जहां आपने जो content select किया है उसी के according आपको various options नजर आती है. Like this is the properties of the selected content, slide transition, animation and many more are there. We will learn them one by one. Fine. Now next one is scroll bars. This is the scroll bars जिसकी help से आप अपनी screen को up and down कर सकते हैं. You have two scroll bars, up down and left right. This one you also have scroll bar in your property window also, the sidebar. यहाँ आपको जरूर मिलती है. एक चेंज आप नोटिस कर सकते हैं इम्प्रेस में और डॉक्यूमेंट में, वहाँ आपको सिर्फ अपना एक पेज नजर आता है, बट इन द इम्प्रेस जैसे ही आप एक स्लाइड लेते हैं आपको साइड में एक साइड बार नजर आता है. दिस इज नोन एज द स्लाइड बार. यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि आइकन्स के छोटे छोटे फॉर्म होते हैं जिसे हम थंबनेल भी बोल देते हैं, उस फॉर्म में हमें वेरियस स्लाइड्स अपनी यहाँ नजर आती है. जैसे ही आप अपना कोई कंटेंट यहाँ पर राइट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग स्लाइड वन, मैंने यहाँ पर अपना शो किया, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर हमने राइट किया, यहाँ पर भी आपको वो कंटेंट छोटा सा नजर आएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेटस बार. ये आपकी स्टेटस बार होती है जस्ट डाउन द विंडो. स्टेटस बार मीन स्टेटस क्या होता है किसी चीज का, कि स्टेटस हम क्या बता रहे हैं. स्टेटस बार जस्ट शोइंग स्लाइड वन ऑफ वन, क्योंकि आपने अभी अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक सिंगल स्लाइड ली है, दैट्स वाई स्लाइड वन ऑफ वन. अगर आप इसे इंक्रीज कर देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी फिगर इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी. डिफॉल्ट साइज है इसका, ये आपकी पिक्सल्स की फॉर्मेट बता रहा है, ये आपकी लैंग्वेज बताता है. एंड दिस वन इज द जूम बार. अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिलहाल जो आपके पास परसेंटेज है जूम का, दैट इज द 93%. हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं तो हमारे स्लाइड का साइज इंक्रीज हो जाएगा, हम इसे डिक्रीज कर सकते हैं. तो दिस जूम बार इज यूज टू शो द कंटेंट इन अ जूम वे. आप उसे बड़ा करके देखना चाहते हैं, छोटा करके देखना चाहते हैं, तो दिस इज योर स्टेटस बार. नाउ एज यू कैन सी द टू क्रॉसेज हियर,
वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन. अगर हम इस पर क्लिक करते हैं दिस इज क्लोज डॉक्यूमेंट, एंड अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो दिस वन इज फॉर क्लोज द प्रेजेंटेशन. अगर आप इससे क्लिक करेंगे तो दिस विल क्लोज योर करंट प्रेजेंटेशन, जो अभी आपने अपनी फाइल ओपन की है ये उसे क्लोज कर देगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. सो इसे क्लोज करने से पहले आपसे पूछेगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस यू हैव मेड इन योर प्रेजेंटेशन, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे सेव पर क्लिक कर दीजिए. ये आपसे एड्रेस पूछेगा, आपसे नेम पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, एंड यू कैन सेव इट. सेव करने के स्टेप्स बिल्कुल सेम है जैसे आप अभी तक राइटर में करते आए हैं. डोंट सेव और ये इसे क्लिक बंद कर दें. सो दिस विंडो इज एग्जैक्टली सेम जब आप अपने किसी डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं. इन दैट वे यू ऑल्सो गेट दिस स्क्रीन. तो यहाँ से आप फिर से आप राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इसमें से कोई भी अपने एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं. अगेन आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस इंप्रेस एंड दिस वन, एंड इफ वी क्लिक ऑन दिस, दिस विल क्लोज द एंटायर लिब्रा ऑफिस. ये आपके पूरे लिब्रा ऑफिस की विंडो को क्लोज कर देगा. सो दिस वॉज द क्लोज ऑफ योर प्रेजेंटेशन एज वेल एज द क्लोज विंडो फॉर योर एंटायर लिब्रा ऑफिस. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अगर आपको एक नई स्लाइड चाहिए then either use slide, new slide, or you can press control plus M. This is the shortcut to enter a slide. जैसे कि आप next page लेते हैं अपने writer में, same way में आप एक new slide ले सकते हैं. If I click on it, see, this one is the slide. आप इस पर देखिए, जब मैंने इस पर अपने mouse को show किया है, this shows you slide one. अगर हम इस पर click करते हैं, this shows you slide two. So these are the default name of your slide. You can also change the name of your slides. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो यहाँ पर आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, आप उसे रीनेम कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द वे टू टेक अ न्यू स्लाइड. ठीक है, फाइन. नाउ आप इसी फॉर्म में अपनी एक नई स्लाइड को टेम्पलेट से भी ले सकते हैं. टेम्पलेट इज द प्री डिफाइंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि आप अपने चेंजेस कर सकते हैं. टेम्पलेट्स आपको कहाँ मिलेंगे, यू कैन क्लिक ओवर हियर. This is the icon to take anything new. And यहाँ templates. So this is your template window. तो यहाँ से आप जो भी format select करेंगे उसी format की slide आपके presentation में open हो जाएगी. This is it. So ये आपकी presentation open हो गई. ये आपकी एक दूसरी presentation open हुई है. जो हम first presentation कर रहे हैं वो यहाँ है. जैसे ही हमने एक टेम्पलेट को सिलेक्ट किया तो उसकी हेल्प से हमारे पास एक दूसरी प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाती है. आई शो यू, सी दिस, दिस इज द न्यू प्रेजेंटेशन. तो अगर हम टेम्पलेट की हेल्प से कोई भी स्लाइड लेते हैं या अपनी नई फाइल ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली एक नए फॉर्मेट में आपको लेकर जाता है, एक नई फाइल क्रिएट कर देता है इंस्टेड ऑफ योर करंट फाइल. तो जैसे ही आपने अपना कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट किया तो उसने एक नई फाइल कर दी. अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सो वी विल क्लोज इट. Now, let's move back to slides out. Now, the next one is slide layout. Slide layout का मतलब है कि कैसे आपको different kinds of slides चाहिए. Slide layout की option आपको कहाँ मिलती है, slides में आप क्लिक करेंगे तो you can get the different layouts. आपको किस तरीके की slide चाहिए, blank, title, title slide, there are many kind of slides. हम स्लाइड्स पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज विंडोज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी यू कैन चूज द स्लाइड्स. हमने स्लाइड पे क्लिक किया और उसके बाद प्रॉपर्टीज विंडो पे क्लिक किया तो आपके पास आपको ये मिल गया. सो ये हेयर यू कैन सी द वेरियस लेआउट्स ऑफ योर इम्प्रेस विंडो. आप यहाँ से अपनी स्लाइड का लेआउट चेक कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी सेकेंड स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं एंड चूज दिस वन, सी द लेआउट कि वो कैसी दिखेगी और कैसे आप उसमें काम करेंगे वो चीज आपकी चेंज हो चुकी है. सो दिस इज द लेआउट, दिस इज द वे. आप करंटली कोई भी न्यू स्लाइड लेकर उसको भी आप अपने लेआउट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल चूज द न्यू स्लाइड. तो जो भी करंटली लेआउट आपने सेलेक्ट किया होगा उसी लेआउट को फॉलो करके आपकी जो न्यू स्लाइड्स हैं वो आपके प्रेजेंटेशन में ऐड होती जाएंगी. इफ यू वांट टू चेंज द लेआउट ऑफ एनी ऑफ द स्लाइड देन यू कैन चेंज फ्रॉम हियर लाइक दिस. सो यहाँ से आप कभी भी किसी भी मोमेंट पर किसी भी पॉइंट पर यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ योर स्लाइड. नाउ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्लाइड्स विच वी आर नोन एज स्लाइड लेआउट. जस्ट लाइक व्हेन यू राइट अ पैराग्राफ स्टाइल
is different for list, different for styles, different for your paragraphs, different for your bullets, etc. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए जाते हैं स्लाइड्स को लिखने के लिए. Now let's move to saving, to save our presentation. हमने अपना स्लाइड ले लिया, हमने एक न्यू स्लाइड ले ली है, हमने उसका लेआउट चेंज कर दिया, हमने एक लेआउट को सेट कर दिया. Now we have to save our presentation. Steps are same. आप सेव पर क्लिक कीजिए. And this will show you the default path. जहाँ पर आपकी फाइल सेव होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कहीं पर भी सेव कर सकते हैं. आप यहाँ से फोल्डर्स चूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर नाम दे सकते हैं. I have given presentation 1 and save it. तो ये आपकी प्रेजेंटेशन सेव हो गई. एंड सी नाउ द नेम ऑफ योर प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंटेशन 1.odb. बाय डिफॉल्ट वाज अनटाइटल 1. सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर इम्प्रेस, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स बनाते हैं अपने कंटेंट को लिखने के लिए. थैंक यू सो मच.